ओके भाई, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने दो क्वेश्चंस देखे थे फंक्शनल इक्वेशन पे, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हुए ही नहीं सर, वो ट्राई किए थे और आईडेंटिटी वाले तो सारे हो गए। सॉरी गाइस, चलिए देखते हैं अभी। तो फंक्शनल इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर इसने बोला कि fx एंड gx आर टू फंक्शंस व्हिच टेक इंटीजर्स एज आर्गुमेंट। इसका मतलब यह है कि उनका जो भी आर्गुमेंट है उसमें ओनली वैल्यू क्या जा सके, only integers। clear है वाली बात? yes x, sir, that means x and y both are integers। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद उसने condition क्या दी अपने को, उसने बोला कि f of x plus y जो है उसको उसने equal बोला किसके, f of x plus g of y and plus 8 for all x and y। कि ये ऑलवेज इक्वल होगा, ये जो है f of x plus y जो है, ये f of x plus g of y plus 8 के ऑलवेज इक्वल होगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। और ये कह रहा है कि लेट f of x जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, x के इक्वल हो रहा है ऑलवेज फॉर नेगेटिव इंटीजर। okay. For all x belongs to negative integer। आ रही बात समझ में? Yes sir। Okay, चलिए भाई। और दूसरी बात उसने क्या बोला कि g of 8 जो है वो इक्वल है किसके, 17 के इक्वल है। अरे हाँ ना, बोलो भाई। Yes sir। तो वेरी सिंपल, x का वैल्यू पुट कर दो क्या, माइनस ऑफ 8, एंड y का वैल्यू पुट कर दो क्या, 8। सर ये f 0 के लिए है। अरे बेटा जी सुनो मेरी बात एक बार के लिए, ये जो भी वैल्यू है f of x plus y is equal to f of x plus g of y plus 8 जो है वो फॉर ऑल x का इंटीजर, x और y की इंटीग्रल वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करे उसमें, अलग अलग डिफरेंट सेम कुछ भी पुट करो बोले, ये तो ऑलवेज सेट ही होगा। यस सर, उसने बोला क्वेश्चन में। ओके, यस सर, कह रहा है कि f of x जो है वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा फॉर नेगेटिव इंटीजर। x इज नेगेटिव, अपन ने x को इसीलिए नेगेटिव पुट किया और y को इसीलिए पॉजिटिव। यस सर, उससे फायदा क्या होगा देखिए जरा, ये हो जाएगा f of -8 plus 8 माइनस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव में जो x यहाँ पे पुट करूंगा, मतलब f ऑफ माइनस अगर 8 पुट किया तो वो क्या बना देगा, माइनस 8 ही तो बना देगा। प्लस g ऑफ 8 कितना, 17, और प्लस कितना, 8। f 0 की 17 को बनाने वाला क्वेश्चन सर, ये f 0 के लिए तो आ गई थी, मैंने f 10 लिखा हुआ था, f 10 के लिए निकालना है। यस सर, आपने f 10 बोला था सर, f 10 लिखवाया था आपने, f 10 लिखवाया था तब भी तो सर हमसे हुआ नहीं। चलो कर रहा था f of 0 फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, उससे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो तो सही होगा, वो कर लिया, वो ट्राई तो किया था बट आंसर नहीं आया। ओके चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं तुम लोगों ने क्या ट्राई किया। चलिए नेक्स्ट वाला जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है क्या? पढ़ा दे ये? यस सर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था अपना, उसमें क्या लिखा हुआ है, f of x plus क्या लिखा हुआ था, f of क्या लिखा हुआ अभी,
2x upon 1 minus x Yes, sir. Yes, sir. Xk. Then we have to find the value of F2. Okay. F of 2 की value find out करनी है. तो मैं ऐसा करूँगी, एक बार के लिए यहाँ पे मैं put कर दूँ क्या? X equal to 2 put कर दूँ? Yes, sir. Yes. तो आ जाएगा F of 2 plus twice of F of ये कितना हो जाएगा? -1 is equals to 2. Equation number first one. Minus one को हटाना है तो एक बार के लिए मैं x का वैल्यू क्या पुट कर दूं? -1 पुट कर दूं? Yes sir. Twice of f of a कितना हो जाएगा? Is equals to -1 One by two को हटाना है. X का value क्या put कर दूँ मैं? Half. 1/2. तो f of a कितना हो जाएगा? 1/2 plus b कितना हो जाएगा? 2. Is equals to 1/2. तीन equation है, तीन variable है. Yes sir. हो जाएगा. भाई इन दोनों में से -1 एलिमिनेट कर दो. तो ये f of 2 और f of 1/2 के केस में की टर्म्स में आ जाएगा. और ये भी क्या लिखा हुआ है? 1/2 और 2. तो 2 और 1/2, 2 और 1/2 में दो इक्वेशन हो जाएगी. वहां से 1/2 को एलिमिनेट कर दो. सर ये पता ही नहीं चलता कि x को किससे रिप्लेस करें. धीरे-धीरे पता चलेगा बेटा. ओके यस सर चलिए बड़े आगे. यस सर. नेक्स्ट आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे अपन. यस सर, उस पे भी क्वेश्चंस दिए थे. ओके, फर्स्ट एग्जांपल सर, इसका आंसर क्या है? किसका? 6/9 है क्या इसका आंसर? 6/9? हाँ, इसका आंसर जो है वो 6/9 है क्या? मेरा आया है 6/9, 2/3 मतलब. 2/3 बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट. हाँ जी, तो बताइए भाई क्या दिया होता होमवर्क के लिए. जो आइडेंटिकल फंक्शन के जो क्वेश्चन थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? जो भी फर्स्ट होमवर्क के लिए दिया था क्या दिया था? बोलो जल्दी, बोलो फटाफट. नॉट आइडेंटिकल आ रहा था. अरे क्वेश्चन क्या था? fx = e की पावर ln x और gx = ln e की पावर x. अच्छी बात है. सेकंड का क्या है बेटा? आइडेंटिकल. सेकंड कौन सा था? 10 वाला था. fx is equals to 10x and gx equals to 1 by cot x. ओके, क्या था, क्या आया? आइडेंटिकल आया. यस सर आइडेंटिकल आया. देख लेते हैं. fx अपने पास क्या था? 10x था. और gx अपने पास क्या था? 1/cot x. 1/cot x. इस वाले केस में cos x क्या नहीं होना चाहिए? Not equals to zero. जीरो नहीं होना चाहिए cos x इस वाले केस में? Yes sir. नहीं होना चाहिए.
और इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट जीरो किस कंडीशन पे किस वैल्यू के लिए होता है? इसमें तो x क्या नहीं होना चाहिए? तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या होगी इसकी? बटाउट बोलो, अरे बोलो बेटा, r माइनस क्या हो जाएगा? अरे तो आएगा इसका डोमेन सर, अगर अपने मतलब tan x को 1 by cot x लिखते हैं तो cot x 0 नहीं होना चाहिए ना, लिख सकते हैं ना अपने ऐसे? पर सर cot x में भी तो अपन ये बोल सकते हैं कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन क्या गिवन है बेटा? cot x tan x है और 1 by cot x है उसमें। हाँ tan x है, fx is equals to, यहाँ पे tan x और यहाँ पे क्या है? तो tan x को भी तो अपन ने sin upon cos लिख के फिर ही बोला कि cos 0 नहीं होना चाहिए, तो cot x में भी उसको cos upon sin लिख के बोल सकते हैं कि cos 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 नहीं होना चाहिए, यस सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहाँ से भी तो ही सेम ही आएगा। अच्छा फिर ठीक है, ओके ओके। बस कुछ नहीं, तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है ना? तो cot x जो है वो जीरो किस पॉइंट पे होता है भी? अरे cot x जीरो किस पॉइंट पे होता है? ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। थ्योरी वाली बात, ओके सर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन? इसमें क्या होगा r, ये 2n माइनस 1 पाई बाई 2 होगा और इस वाले में क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो r माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इन दोनों की डोमेन कैसी हो गई? सर उसमें 2n तो फिर अलग क्यों लिखा है 2n-1? उसमें भी 2n-1 लिख दो। क्यों सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो? सर आप कंफ्यूज बहुत कर रहे हो। अरे बेटा 2n प्लस 1 लिखो चाहे 2n-1 लिखो, है तो ऑड मल्टीपल, माइनस 1 लिखो हाँ है तो ऑड नंबर ही, पर दोनों तो लिख सकते हैं ना। अपने को तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए ना, 2n-1 को ये उसका ठेका थोड़ी ना ले लिया अपने को कि हर बार अपन करते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना? यस सर, ओके हो गया ये? यस सर, यस सर। नेक्स्ट कौन सा भाई? fx is equals to root 1 minus x square, 1 minus x square, gx is equals to 1 minus x square, और gx दे रखा था अपने पास the square root of 1 minus x, square root of 1 plus x। yes sir, yes sir, identical आ रहा है, identical, identical, identical आएगा क्या? yes sir, yes sir, okay, चलिए बिल्कुल identical होगा भाई, क्योंकि इनकी डोमेन सेम आ रही है, डोमेन सेम आने के बाद इनको जैसे अपन सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सेम बन जाए, सेम, ये भी आइडेंटिकल है। उसके बाद नेक्स्ट, fx is equals to 1 upon 1 plus 1 by x, gx is equals to x upon 1 plus x, यस सर, आइडेंटिकल आ रहा है ये भी, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल आ रहा है, यस सर, गलत है, नहीं आइडेंटिकल आ रहा है सर, आइडेंटिकल ही आएगा। हाँ तो आइडेंटिकल नहीं आएगा भाई, तुम्हें कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर आएगा, आइडेंटिकल आएगा ये बोल रही हूँ मैं, आइडेंटिकल नहीं आएगा। ओके सर, इसकी डोमेन की बात की अपन ने, तो डोमेन के केस में ये 1 upon x बन रहा था, यहाँ पे ये x क्या नहीं हो सकता सर? अगर ये जीरो हो भी जाता है तो फिर इसकी ये जो भी फंक्शन है इसकी मेरे को तो ये बता दो कि x = 0 पे वैल्यू क्या है?
सर जीरो आएगी, जीरो आएगी, यस सर। तो सर वो देखो, अगर एक्स जीरो अगर अपन पुट करेंगे तो वन बाय एक्स वो इनफाइन मतलब वन बाय जीरो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, और वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। इनफाइनाइट कितना होता है? वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। टेंडिंग टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो लेते तो अपन जीरो ही है ना, जीरो ही करते हैं। ये देखो इधर, वन अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है वन के इनफाइनाइट पार्ट्स के उसमें से एक पार्ट, तो वो एग्जैक्टली जीरो होगा क्या? लेकिन अपन सॉल्व करते टाइम तो जीरो ही लिखते हैं। टेंडिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके सर, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा ना। मैं ये कह दूं कि ये देखो ये पेन है, इसके मैंने इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिए, इसका मतलब मैंने इनफाइनाइट पार्ट किए ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो है वो। यस सर, तो वो डिफाइन होगा ना, वो नॉट डिफाइन तो नहीं होगा। नॉट डिफाइन ही तो होगा बेटा। सर अपने जीरो क्यों नहीं ले रहे? बेटा वन अपॉन इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू है उसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, उसमें से एक छोटा टुकड़ा बिल्कुल इत्तु सा, तो वो नेग्लिजिबल ही होगा ना। नेग्लिजिबल होगा, लेकिन मतलब जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो तो नहीं होगा। एग्जैक्ट जीरो बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा। बस तो फिर भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा वो। इसका मतलब वन अपॉन इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट होगा। बता दो मुझे इनफाइनाइट कितना होता है? सर पता नहीं, बस बात ही खत्म। नॉट डिफाइंड होता है। हां तो फिर नॉट डिफाइंड है। हां तो बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन यहाँ पे वन अपॉन मतलब ये इनफाइनाइट ही बना दिया, तो उसकी कौन सी वैल्यू फिर उसकी काय की? जीरो वैल्यू। और इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। अरे बेटा जी, उसी बात का तो झगड़ा हो रहा है, नहीं तो अपन ये जो ले रहे हैं अपन gx is equal to दूसरा वाला x upon 1 plus x है, इसमें अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगा, मतलब यहाँ पे जैसे माइनस वन पुट कर दूंगा, माइनस वन पुट करते डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और ये इन्फाइनेट आ जाएगा, फिर वहां पे तो इन्फाइनेट जो है उसको अपन क्या ले रहे हैं कि नहीं भाई वो इन्फाइनेट नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो इनफाइनाइट बन रहा है वो ऊपर जाके जीरो बना देगा। शाबाश, यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पे ये जो भी डोमेन होगी, अब यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया है कि एक्स जीरो नहीं है। एक्स अगर जीरो नहीं है तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि जहां भी मैं वैल्यू रखने जाऊंगा वहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं भाई x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो रखने के बाद ही तो इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x upon x plus 1। तो अब यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, x नहीं हो सकता माइनस वन, मतलब इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज आर माइनस माइनस वन एंड जीरो, माइनस वन एंड जीरो। ओके, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो इसके डोमेन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन gx is equal to x upon 1 plus x, ये सिंपलीफाइड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, इसको सिंपलीफाई करके ओनली माइनस वन नहीं होगा, इसको सिंपलीफाई किया, तो इसको सिंपलीफाई करने से पहले तो ये वाली कंडीशन लग रही थी इस पे, तब जाके सिंपलीफिकेशन किया है अपन, इस पे कोई कंडीशन yes, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस क्या हो जाएगा ओनली माइनस वन जाएगा, तो इन दोनों की डोमेन सेम नहीं है, और डोमेन सेम नहीं है दैट मीन्स दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। बोलो भाई सर, आइडेंटिकल है। चलो बेटा नूपुर बताओ कैसे आइडेंटिकल, जयश्री के बोलने के साथ साथ तुमने बोल तो दिया सर, हम दोनों डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन, सर हम दोनों ने मतलब, और आप हमेशा मुझे कमजोर समझते हो, ये ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि पहले जयश्री ने दूसरी बार बोला तो फिर तुमने उसका साथ दिया, इसीलिए मुझे लगा कि तुमने किया नहीं है बस साथ देने के लिए। चलिए बताओ कैसे किया,
डोमेन क्या आ रहा है, चलो ये बता दो इसका, जो भी फंक्शन है एफ एक्स और जो जी एक्स अपने पास फंक्शन गिवन है उनका डोमेन क्या आया बेटा? पुनूर आवाज आ रही है सबको? ये लो भाई फंक्शन में पुपा जी नाराज हो गए लगता है। आवाज आ रही है सबको? अरे हाँ ना बोलो कुछ। यस यस ओके यस सर। बाकी दो लोग वह कहाँ चले गए? यस सर। बेटा नूपुर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यश्री इसका मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं था ऐसे। यस सर मैं बताओ कैसे किया क्वेश्चन बेटा? सर उसमें जैसे कोट को अपन ने कोट कॉस अपॉन साइन लिख लिया, अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ठीक है, ठीक है? दैट मींस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्यों, ऑड मल्टीपल में क्या दिक्कत है? एक मिनट एक मिनट हाँ मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। और मल्टीपल ऑफ पाई है ना, देखिए एफएक्स अपने पास में क्या गिवन है। अरे भाई क्वेश्चन अगर किया हुआ तो फटाफट बता दो कि सर ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं कैसे किया। उसमें भी सर cos अपॉन sin, तो उसमें भी sin स्क्वायर x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मतलब डोमेन से लिखा हुआ cos स्क्वायर x, तो इसमें अपन ये जो भी लिखा हुआ है इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन में क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर x लिख सकते हैं और माइनस ये 1 अपॉन ये क्या है sin स्क्वायर x है, ये तो हुआ। यस सर। अरे अरे ना बात समझ में। यस सर। तो इसका या फिर ऐसी बात करें कि ये जो भी cos स्क्वायर x है cos इसकी तो डोमेन क्या हो जाएगी, cos की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल होती है ना बेटा? यस सर। और cot की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x belongs to r में से कौन सी वाली वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी, n pi मल्टीपल ऑफ n pi, तो ओवरऑल इनकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ये वो अपना d1 और ये वो अपना r minus n pi, तो d1 intersection d2 हो जाएगा भी? Yes sir. That is r minus n pi. Yes. क्योंकि ये तो r कह रहा है और ये कह रहा है r में से वाले पॉइंट हटाओ, तो इन दोनों मतलब ये दोनों फंक्शन क्या दे रखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में जब भी दे रखा होता है तो दो जो भी दो या तीन चार पांच जितने भी फंक्शन गिवन होते हैं उन सबके अपन डोमेन फाइंड आउट करते हैं और फिर फाइनली उनका क्या लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके यस सर। सेकंड थिंग इज gx इज इक्वल्स टू गिवन था अपने पास द cot स्क्वायर x * cos स्क्वायर x, तो इसमें वही वाली बात हुई, इसका तो कितना हुआ r - n pi और इसका कितना हुआ r, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा r - n pi - n pi, तो यहां पे भी डोमेन ही आ रहा है, यहां पे डोमेन ही आ रहा है, दोनों का डोमेन क्या है सेम है। इसका मतलब आप अगर सिंपलीफिकेशन सिंपलीफाई करने पर इनके सिंपलीफिकेशन पे अगर ये दोनों का डोमेन सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले को सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x / sin स्क्वायर x माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x कॉमन आया तो यहां पे क्या रह जाएगा 1 / sin स्क्वायर x - 1, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x और अपॉन में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, वन माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो ये जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x फोर अपॉन sin स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, मतलब इसके इक्वल आ रहा है। यस सर। यस सर। दैट मींस ये दोनों फंक्शन कैसे हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अभी? fx is equals to log e base x or gx is equals to 1 upon log x base e. Okay. कैसे आ रहे हैं दोनों फंक्शन? Identical. Identical आ रहे हैं? Yes, sir. Okay. देख लेते हैं अभी. First वाले की domain क्या आ रही है? First वाले question की domain क्या आ रही है? Sir, वो
को जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरे वाले के लिए दूसरी बात वो डिवाइड में है तो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो किस पॉइंट पे होता है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, यस सर, इसका मतलब एक्स वन नहीं होना चाहिए, तो दोनों सही बात है, सेम आ गई, ओके, चलिए भाई, तो ये था अपना क्या, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, तो अब इसके डाउट्स सारे क्लियर हुए अच्छे से, कोई भी फंक्शन है उसको अपन आइडेंटिकल बोलेंगे और कब उसको आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, क्लियर है वाली बात, अच्छी चीज पता चली है कि 1 बाय इनफिनिट 0 नहीं लिखना, इनफिनिट ही लिखना है, बिल्कुल वो और अच्छे से क्लियर हो जाती है, आईटीएफ के बाद जब अपन लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी कहानी और अच्छे से क्लियर, ओके, और इवन उसमें तो अपन लोगों का बहुत बार झगड़ा भी होगा, ओके चलिए भी, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो अपना झगड़ा जरूर होगा, और तुम लोग अगर नहीं पढ़ते लिखते तो फिर नहीं होगा, नहीं सर नहीं मिलाएंगे हम आपके यहाँ में, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, बस बिल्कुल सही बात, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शन, तो जो फंक्शन इवन होगा वो इवन होगा और जो ऑड होगा वो ऑड होगा, ओके ओके सर, देखो मतलब इवन होगा ऑड होगा यस सर, गलत हो रही है सर, इवन ही होगा, ऑड होगा, चलिए तो लिखो इसमें फॉर डिफाइनिंग इवन एंड ऑड फंक्शंस द डोमेन ऑफ फंक्शंस must be symmetric, domain कैसा होना चाहिए भैया, symmetric होना चाहिए, is that clear? Sir, एक बार repeat करना वापस. For defining even and odd functions, the domain of functions must be symmetric. मतलब अगर अपने को वो सामने वाला ये कह रहा है ना कि जो भी फंक्शन है वो चेक करो कि वो इवन है या ऑड है, तो उससे पहले उसके अपन डोमेन फाइंड आउट करेंगे और डोमेन को देखेंगे कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं, क्योंकि अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं हुई, सिमेट्रिक डोमेन क्या होती है वो भी बताएंगे, लेकिन अपन पहले ये बात सोच लें कि अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं हुई तो फिर इसका मतलब इवन ऑड का तो किसी, समझ गए बात को, अगर डोमेन सिमेट्रिक है तो फिर हो सकता है वो इवन बन रहा हो या ऑड बन, ओके ओके सर, ओके चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक डोमेन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डोमेन का मतलब है जैसे कि ये हो गया -2 से 2, मतलब जितना उधर प्लस में उतना ही इधर माइनस, ओके समझ रहे बात को, ओके सर, ओके यस सर, जैसे कि -2 से -1 यूनियन 1 से 2, समझ रहे बात को, यस सर, -2 से 0 0 से 2, इधर भी 0 इंक्लूडेड नहीं था, इधर भी 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से 2 तक जा रहा है 2 को इंक्लूड किया, इधर 0 से इधर -2 में जा रहा है इसको भी इंक्लूड किया, दीज आर सिमेट्रिक डोमेन्स, क्लियर है वाली बात, यस सर, यस सर, ये कैसी है सिमेट्रिक है, जैसे कि अगर उसने ऐसा लिख दिया, अगर -2 से उसने लिख दिया -1 और यूनियन, सिमेट्रिक डोमेन ही सिर्फ क्यों इवन और ऑड फंक्शंस को डिफाइन करती है, अभी पता चल जाएगा बेटा ऐसा क्यों, ओके सर, ये वाली क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे -1 को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया, यस सर, ओके बड़े आगे,
यस सर. ओके तो लिखो इसमें फिर फर्स्ट इवन फंक्शन. Even function. Even function. A function fx is said to be even function if f of x is equals to f of minus x for all x belongs to the domain of fx. और या फिर क्या बोल दें इसी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. कि अगर किसी फंक्शन के अंदर जो वैल्यू एक्स पे आ रही है वही वैल्यू अगर माइनस एक्स पे आ रही है, मतलब जो वैल्यू वन पे आ रही है वही माइनस वन पे आ रही है, जो टू पे आ रही है वही माइनस टू पे आ रही है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा. ओके हो गया नोट डाउन बेटा जी ये. Yes, sir. Done, sir. Okay. तो देखिए बेटा जी अब कुछ बात यूं है कि एक नोट डाल लीजिए. कितने का डालोगे सर? 2000 का. 2000 का बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल मैं यही कहने ही वाला था. दो हजार का नोट डाल लो कि द ग्राफ ऑफ लिखो नोट के अंदर the graph of even function, the graph of even function is always symmetric above, the graph of even function is always symmetric about y axis. Y axis ke about kya hoga? Bilkul